एक रुपए के स्टाम्प पेपर पे माननीय अखिलेश यादव ने लीज पे ये भारत सरकार को ये जमीन दी। कस्टोडियल डेथ की बात कर रहे हैं यहाँ तो कस्टोडियल से पहले ये लोग होटल में ही मार दिए जा रहे हैं। इनकाउंटर मतलब गैंगस्टर थे तभी तो इनकाउंटर हो रहे, सपा सरकार में इनकाउंटर। नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में मैं श्रेयांश त्रिपाठी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर, गुरु गोरक्षनाथ के शहर, महंत अवैधनाथ के शहर, पूर्वांचल के सबसे बड़े शहर एम्स के शहर गोरखपुर में मौजूद हूँ। गोरखपुर के लोगों के साथ उत्तर प्रदेश का फैसला जानने के लिए चुनावी यात्रा लखनऊ, अयोध्या, संत कबीर नगर, कुशीनगर और अब गोरखपुर में पहुंच चुकी है। सीएम योगी यहां से लखनऊ गए और मुख्यमंत्री हो गए। अब हम लखनऊ से गोरखपुर आकर ये पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश के लोगों का फैसला क्या है। अगर आप आना चाहें तो आ जाइए। बहुत सारे लोग लखनऊ से गोरखपुर आ रहे हैं, कई सारे लोग इस चर्चा में भी आ रहे हैं, कुछ लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम सबसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात भाई साहब से करेंगे। सबसे पहला सवाल, चुनाव होने वाला है, माहौल क्या है? माहौल तो अब हम बता नहीं सकते कि माहौल क्या है, लेकिन हम अपना बता सकते हैं कि हम तो भाई योगी जी के साथ हैं, तो चाहिए कि माहौल अभी रहे। आवाज़ थोड़ा तेज, अगर आप योगी जी के साथ हैं थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा ना। हाँ जी एकदम। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाजपा की सरकार आए, और बटन तो हम भाजपा का ही दबाएंगे। हम तो चाहते हैं कि सभी लोग यहाँ पे दबाएं, लेकिन आप सबकी राय ले लीजिए। देखिए, महाराज जी के शहर में, मुख्यमंत्री के शहर में, योगी आदित्यनाथ के शहर में जो पहला ओपनिंग शॉट है, वो ओपनिंग शॉट ये कहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और वोट देंगे बीजेपी को। दूसरा वाला, दूसरा ओवर है, पूछ लेते हैं आप भैया किसके साथ हैं? अखिलेश जी के साथ हैं। ये देखिए, ये दोनों वाली बात हो गई। ये इधर ये भाजपा, ये दोनों लोग साथ खड़े हैं। अमूमन समाजवादी पार्टी के लोग और भाजपा के लोग एक साथ नहीं होते। भैया के साथ है, लेकिन ये इनके साथ हैं, लेकिन अगर भैया रहे तो ठीक है, हम इनसे भी दबवाएंगे भाजपा। ये कह रहे हैं कि इनका वोट भाजपा को दिलवा देंगे। अगर भैया चुनाव लड़ रहे हैं तो हम इनके साथ हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे निर्दल। लेकिन अभी 22 वाला क्या है? अभी नहीं लड़ रहा तो नहीं लड़ रहे हैं भैया, तो फिर ऑब्वियस है कि अखिलेश जी के साथ है। ये अखिलेश जी के साथ हैं अभी तक, अभी है वो, तो जब बटन दबाएगा समय आएगा तो बटन दबाएंगे तो चेक कर लेंगे। आप बताइए भैया क्या हाल है? फिलहाल उत्तर प्रदेश अखिलेश जी की सरकार आई है, पूर्ण बहुमत की। 2+1 हो गया भैया इधर। हाँ भैया, सबसे पहले यूपी में इंकलाब होगा, 22 में बदलाव। ये नारा नहीं, नारा वाला गलत है। दूसरा, एक मिनट, हमारा एक कैमरा है ऑलरेडी हमारे पास, तो दूसरा वाला बात। हाँ ये कुछ कह रहे हैं, युवा युवा हमेशा बदलाव की तरफ जाता है। जैसे हम युवा हैं, पार्टी को देख के नहीं, जब बदलाव की लहर आएगी उधर जाएगा। और युवा बेरोजगार की सबसे बड़ी मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई, गरीब आदमी सबसे सबसे बड़ा उदाहरण आप यहाँ देख लीजिए। जो भी ये यहाँ पटरी व्यवसाय लोग हैं, यहाँ पे व्यवसाय जो भी करता है, यहाँ पे देखिए आप, वहाँ बॉर्डर लाइन कर दिया गया, यहाँ 1500 रुपया इन लोगों से किराया दिया था। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि मैं गोरखपुर के किस मोहल्ले में हूँ। गोरखपुर वाले जो ये देख रहे हैं वो समझ जाए कि ये मोहल्ला कौन सा है, ये गोरखपुर वाले ही बताएंगे। नहीं, मोहल्ला कौन सा है? ये मोहल्ला तारामंडल एरिया है, नौका बिहार के बगल में, सर्किट हाउस के बगल पास खड़े हैं आप। अमूमन लखनऊ के पत्रकार अपने से ही मोहल्लों का नाम बताते हैं और गलत बताते हैं, इसीलिए हमने स्थानीय लोगों से पूछ किया जो डेली यहाँ चाय पीने आते हैं। ये देखिए रामगढ़ ताल बता रहे हैं सीएम योगी ने, इसका नव निर्माण भी कराया। सबसे पहले अखिलेश यादव ने, ये देखिए, ये बीजेपी बीजेपी की एक योजना, उद्घाटित योजना को ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आप शुरुआत इसका अखिलेश यादव जी ने किया था, और यहाँ वहाँ आप देख सकते हैं कि शिलापट लगा होगा। सरकार जब 5 साल मतलब उनका पूरा होने वाला है, तो यहाँ पर काफी बदलाव दिख रहा है। 15 से 20 दिन पहले ये जो लाइट लगी है, 15 से 20 दिन पहले लगी है, ये कह रहे हैं 15 से 20 दिन पहले यहाँ पर तारामंडल वाली रोड पर लाइट लगी है। भैया आप लोग किसके साथ है, क्या माहौल है? ये भाई साहब जो है, ये जब हमारी डिस्कशन शुरू हुई उसके पहले इन्होंने कहा कि देखिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, पब्लिक की बात करूंगा। तो आप जनता की बात बताइए कि जनता क्या चाहती है, हमारी सिंपल सिंपल बात है। हाँ, उनमें गोरखपुर में विकास हुआ, लेकिन लेकिन बीजेपी, अगर आप नाम लेते बीजेपी का या किसी भी गवर्नमेंट का, मैं पब्लिकली बीजेपी के साथ नहीं, लेकिन हाँ गोरखपुर के मामले में अगर कहा जाए, हाँ बीजेपी ने यहाँ पे काम किया है। भले वो ये सीएम का शहर है, जैसे हमारे यादव जी थे
उन्होंने सही आवाम इंतजाम कराया, मायावती ने अम्बेडकर नगर कराया, तो गोरखपुर का विकास हमारी योगी जी ने कराया। ये कह रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, ये बात समझने वाली है। ये कह रहे हैं कि जैसे अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह ने सैफई में विकास कराया, सैफई महोत्सव वाला या जो भी वाला विकास, वहाँ एम्स मेडिकल कॉलेज जो भी बनवाया, योगी जी ने गोरखपुर में कराया और मायावती ने अम्बेडकर नगर में कराया, जो इनके बगल का जिला है। एम्स का जमीन तो अखिलेश यादव का ही तो देखिए, ये एम्स का जमीन, ऐसा पक्षपात तो नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर के लिए भी बहुत कुछ किया है। पेपर जो गन्ना जो संस्थान पूरा जो विकास संस्थान का एक यादव जी ने उसको आवंटित किया है। भैया ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने जमीन आवंटित किया, भाजपा वाले भाई साहब कहाँ गए? क्या वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए क्या? समाज प्रसाद मौर्य की तरह भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कौन है भैया? इसमें दो इंजीनियर लोगों से सवाल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कौन है इसमें? भाई साहब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जमीन आवंटित की थी एम्स के लिए। देखिए अखिलेश यादव जी का कहना है कि सारा काम जो है, जो भी 5 साल में हुआ है, उसकी ईंट हम ही ने रखी। अच्छा, तो ये तो वो कहेंगे ही नहीं, ये कह रहे हैं जमीन आवंटित की बात सही करेंगे। यहाँ कहाँ का एम्स का? आप देखिए सारा काम तो हो गया, आप जाके एम्स देख लीजिए, एम्स पूरा बन गया। नहीं नहीं, एम्स की जमीन अखिलेश यादव ने आवंटित किया नहीं, सही या गलत? मुझे इसकी इसका सही या गलत आइडिया, इनको आइडिया नहीं है भैया। आपको नहीं, 1 रुपए के स्टाम्प पेपर पे माननीय अखिलेश यादव ने लीज पे ये भारत सरकार को ये जमीन दी। महिला की सुरक्षा पर आप लोगों का क्या कहना है? ऐसे कान तो होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सही हुआ है, इसका पक्ष नहीं होगा, गलत हुआ, लेकिन एक आध ऐसी चीजें होती रहती है, कहीं पे भी होती है। मालूम है उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं की बात है, कस्टोडियल डेथ के मामले में नंबर 1 है। आप महिलाओं की बात कर रहा हूँ, महिलाओं की सुरक्षा कोई नहीं, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा की बात भी कर लेंगे। कस्टोडियल डेथ के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, अपराध के मामले भैया गोरखपुर का मामला, कृष्णा पैलेस का मामला देख लीजिए, यहाँ पे कस्टोडियल डेथ के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है भैया। ये बात कितने लोगों को पता है? सबको पता है। क्या भैया? क्राइम कस्टोडियल डेथ, हिरासत में मौत के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, अखिलेश यादव का भी दावा है और डेटा भी कहता है। एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए ना, एनसीआरबी का डेटा बता रहे हैं। आपको ये बात पता है? नहीं, इनको नहीं पता है, ये बात इनको नहीं पता है। जनता को आगाह करने का मतलब नहीं है, साफ साफ बात। आप कस्टोडियल डेथ की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कस्टोडियल से पहले ये लोग होटल में ही मार दिए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शहर में कृष्णा पैलेस मनीष गुप्ता के हत्याकांड वाले मामले में, जिसमें पूरे प्रदेश में जिसका एक चर्चा भी थी, जिसकी और जिसके लिए तमाम लोगों कह रहे थे, गोरखपुर के लोग ये कह रहे हैं कि उससे शहर की इमेज खराब हुई है। किसी भी अधिकारी का दोष रहा हो, किसी का भी दोष रहा हो, लेकिन शहर की इमेज उससे खराब हुई है। शहर की इमेज खराब हुई, ये बात कितने लोग मानते हैं? डिफाइन भी नहीं कर सकते, अपराध भी समाज की हम कल्पना तो करते हैं। वो बात सही है, गलत हुआ, लेकिन आप ये कैसे पहले अपराध भी समाज की हम सबसे बड़ा मुद्दा शहर का बता रहे हैं, रक्षा की भक्षक बन गया शहर का मुद्दा। एक सबसे बड़ा योगी जी हमारे शहर के मुख्यमंत्री हैं, पूरे बरसात में पूरे शहर में कोई ऐसा जगह नहीं होगा जिसको इतना दिक्कत होता था, पूरा जल जमाव था, उसका कोई एक बड़ा मामला, एक सबसे बड़ा मामला शहर का ये भी है, उसका निस्तारण होना चाहिए। शोर नहीं, एक मिनट, शोर नहीं, एक मिनट, इतने एनकाउंटर हो रहे हैं, इतने इनकाउंटर, मतलब गैंगस्टर थे तभी तो इनकाउंटर हो रहे, सपा सरकार में क्यों इनकाउंटर? अब आके लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शहर में जल जमाव और लोग मुख्तार अंसारी का एग्जांपल योगी जी के शहर का जल जमाव का एक एक गोरखपुर यहीं पर भाजपा सभा कर ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बच्ची है हमारे साथ, हम गोरखपुर में जिस जगह पर डिस्कशन कर रहे थे, एक बिटिया है हमारे साथ। कई बार बहुत बड़ी बहसों में हम बच्चों को छोड़ देते हैं या उन लोगों को छोड़ देते हैं जो कुछ रियली कहना चाहते हैं और नहीं कह पाते। एक बच्ची है हमारे साथ, हम उससे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, बस वो क्या कहना चाहती है
वो सीधे बता सकती है। बता बेटा। हम चाहते हैं कि क्राइम एकदम खत्म हो जाए, लेकिन क्राइम तभी खत्म होगा जब हमारे अंदर के जो दुर्गुण वो समाप्त। क्राइम हर जगह है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सेफ। अभी मैं आ रही थी यहाँ से, हम कहते हैं कि हम सेफ हैं, हम एक मैं आई एम अ गर्ल, सो हम नारी सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। इसके लिए सरकार ने कई सारे मतलब कि कई सारे वो भी चलाए हैं कि गर्ल्स को कैसे सेफ किया जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर 70% बॉयज की गलती होती है किसी चीज में, तो 30% लड़कियां भी जिम्मेदार है कि उनके साथ कोई बदतमीजी हुई है। आप क्या करती हैं बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चितवन मिश्रा है और मैं अभी यूनिवर्सिटी से BA LLB की फर्स्ट सेमेस्टर की। गोरखपुर में सब बैलेंस दिख रहा है। हाँ, बहुत बड़े बड़े मुद्दे अभी उतने दिखे नहीं है जिन पर बोला जा सके, तो अभी जहाँ हम खड़े हैं वहाँ तो सब बहुत बैलेंस है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है। मनीष गुप्ता वाला मामला ले लीजिए, कोई भी मामला ले लीजिए, देर सवेर एक्शन तो किए, तो अगर बैलेंस बात बोली जाए तो सब ठीक है, उतना खराब नहीं है। आप व्यवस्थाओं से कितने खुश हैं? देखिए ऐसा है कि एग्ज़ाम पे जो प्रश्न उठते हैं कि एग्ज़ाम में जैसे यूपी टेट का एग्ज़ाम था जो कैंसिल हो गया क्योंकि उसमें पेपर लीक हो गया था, ये सब मुद्दे पे सरकार अभी बहुत ही गंभीर नहीं है। इनको लगता है कि ये सब मुद्दे उनके लिए प्रायोरिटी नहीं रखते हैं, लेकिन जो युवाओं का मुद्दा है, जो जनता के बीच में ये युवाओं का जो मुद्दा होता है वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जो रोज़गार का मुद्दा होता है। और जो युवा होते हैं उनको एक सरकारी नौकरी के लिए जो एक जद्दोजहद करना पड़ता है, सरकार से भीख मांगनी पड़ती है, ये मुद्दा जो है मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब सरकारी नौकरी को मांगने की जरूरत ना पड़े, भीख जैसा लगता है देखने में कि सरकारी नौकरी के लिए भीख मांगना पड़ रहा है सरकार के सामने। ये भैया आप लोग में से कितने लोग गोरखपुर में इस बात को जानते हैं कि सरकार ने लखनऊ में खूब सारे लाठीचार्ज किए? सब लोग जानते हैं। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के भी बहुत सारे लोग थे, शिक्षक भर्ती वाले भी बहुत सारे लोग थे। इस बात को गोरखपुर में इसकी चर्चा होती है? बिल्कुल होती है। जो लखनऊ में लाठीचार्ज होता है आप लोगों ने मीडिया में उसको देखा, कितना संतोष था उस कार्रवाई से? देखिए किसी भी लाठीचार्ज से, चाहे स्टूडेंट पे हो, चाहे मजदूर पे हो, चाहे किसान पे हो, किसी पे भी लाठीचार्ज हो रहा है तो उससे कोई भी संतुष्ट नहीं रहेगा। अगर किसी पर लाठीचार्ज हो रहा है, देखना ये होता है कि लाठीचार्ज करने के बाद सरकार ने कुछ कार्य किया है कि नहीं किया है, कि उस पर सिर्फ लाठीचार्ज करके उनको वहाँ से हटा दिया है और मुद्दे दबा दिए गए हैं। बात देखना यहाँ पे है कि मुद्दे कहाँ तक ज्वलंत रहते हैं। जैसे किसान का मुद्दा था, सरकार ने बहुत सारे प्रक्रियाओं से उसको हटाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर लोगों ने अपने मुद्दों को रखा और बिल वापस आज लिया गया है। तो इस प्रकार अगर सरकार अगर आपकी मुद्दे को रखती है, बात अपने सरकार लेती है तो ये ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर आपको आंदोलन और करना पड़ेगा। ये बिटिया है हमारे साथ, इसने बड़ी अच्छी बात कही है वुमेन क्राइम को लेके। आपके और क्या इश्यूज हैं जो आप गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यूथ जो यंग इंसान है वो इस बच्ची से सीखे और उसकी प्रायोरिटी क्या है वो अपने आप को इसमें पाए। तो आप क्या चाहती हैं सरकार से, और क्या चाहती हैं जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब आप सरकार से क्या चाहती हैं, आप वो बताइए। पहले तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ योगी गवर्नमेंट को एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट ने जो करके दिखाया है, खास करके गोरखपुर में जिसकी हमने कल्पना भी कभी नहीं की थी, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं इसकी जो हालत है, शायद मैंने नहीं कभी सोचा था कि मैं इस तरह से इस जगह पे रहूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी डेवलपमेंट योगी गवर्नमेंट कर रही है गोरखपुर में ही नहीं पूरे यूपी में, उसके लिए उन्हें थैंक यू। आफ्टर दैट मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि नारियों के लिए सिर्फ मतलब कि हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती है, पर उसे वाकई में लागू करके दिखाना ये योगी सरकार इस पे काम कर रही है। हम जानते हैं कि PM गति शक्ति एक मिशन लॉन्च हुआ था जिसके तहत आजकल विमेन कॉन्स्टेबल्स भी अब स्कूटी से अब पूरे शहर में निरीक्षण कर रही हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक योगी गवर्नमेंट ने ही करके दिखाया है, पहले इसकी कल्पना की गई थी, पर वास्तविकता ये है कि आज ये सब हो रहा है योगी गवर्नमेंट। सो थैंक यू इसके लिए। एक चीज बेटा, मेरा एक सवाल है, एक पर्सनल सवाल है मेरा। हम लोग लखनऊ से लेकर जब गोरखपुर के रास्ते में बढ़े तो बहुत सारे रास्तों में एक होल्डिंग लगी थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ,
बेटियां गोरखपुर की इस पोस्टर को देखकर क्या सोचती हैं और प्रियंका गांधी में क्या देखती हैं, क्या भविष्य देखती हैं, इंडिपेंडेंटली बताइए। प्रियंका गांधी में भविष्य देखती हैं, लेडी लीडर हैं, भविष्य क्यों ना देखें। लड़की से बात हो रही है ना? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पहली बात तो ये जो सेंटेंस है ये अपने में ही बता रहा है कि आज कल नारियों का स्टेटस क्या, कहाँ तक पहुँच चुका है। हम जानते हैं कि सबसे पहले भारत में आर्य समाज आया, उस वक्त लड़कियों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे किंगशिप आया उस तरह से धीरे धीरे विमेन पावर कम होते गया, विमेन को एक वस्तु समझने लगे थे। लेकिन आज इस जनरेशन में ये होर्डिंग लगना कि लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ, ये अपने में ही बता रहा है कि लड़कियाँ कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो ये गिफ्ट हमें यही सरकार ने दिया है। सरकार के लोग कहते हैं उनको प्रियंका गांधी, नहीं नहीं, जो हमारा सवाल था, आप शायद कंफ्यूज हैं उस सवाल में, आपने ठीक से नहीं सुना। वो जो स्लोगन है, आप प्रियंका गांधी से अगर आपको अपने आप को कनेक्ट करें तो क्या आप कोई स्कोप देखती हैं उस कनेक्शन में? जैसे प्रियंका गांधी कहती हैं कि वो बेटियों के साथ हैं, तो बेटियाँ प्रियंका गांधी के कितने साथ हैं और उनमें कितना स्कोप देखती हैं कि वो उनको लीड करेगी? सॉरी, लेकिन मैं प्रियंका गांधी को इतना रीड नहीं किया है मैंने कभी, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि शायद मेरी ये रीडिंग है उनके खिलाफ, उनके लिए, कि प्रियंका गांधी जो कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन अभी इस स्टेज पे मुझे नहीं लगता है कि वो उतनी केपेबल है, क्योंकि वो जो करना चाहती हैं वो हो सकता है कि वो शायद अगर वो सीएम बन जाए तो वो करके भी दिखाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी उनमें वो क्वालिटी है जो इस वाकई में इस यूथ को, मतलब यूथ को चाहिए कि वो रिप्रेजेंट कर पाए। एज अ रिप्रेजेंटेटर मैं अभी नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी बात सबसे कह सकती हूँ, लेकिन उसे वाकई में करके दिखाने का कार्य सिर्फ योगी सरकार ने किया, इसलिए मैं उनके सपोर्ट। ये बिटिया गोरखपुर की पूरी यात्रा में, मैंने गोरखपुर में जितने लोगों से बात की, मुझे प्रभावित किया है इस बेटी ने, सीएम योगी के शहर ने, और सीएम योगी के शहर में एक बेटी ने अपनी बात इतनी दमदारी से रखी और ये साबित किया कि लड़की है तो शायद सच में लड़ सकती है, और ये दिखा सकती है कि वो फर्स्ट ईयर में हो या आठवीं कक्षा में हो या पांचवी कक्षा में, अगर बेटी अपनी ताकत पर आ जाए तो वो शक्ति का रूप हो सकती है। सीएम योगी के शहर गोरखपुर से रामगढ़ तक के पास से और सर्किट हाउस के बगल वाली सड़क से इस वक्त यहाँ तक की चर्चा में फिलहाल इतना ही।